बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर, हम लोग आज सिंध बोर्ड का क्लास 12 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 कर रहे हैं। ये हम करेंगे इंटीग्रेशन है और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अब यहाँ में ये दिया हुआ है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स पावर 6 है, तो इसको हम क्या करें, इसको हमने सपोज कर लिया कि वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसे हमने यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी वी क्या गया बस 3x² × dx। अच्छा, हमें यहाँ चाहिए कि x² dx, तो x² dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास डी वी ओवर 3, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम क्या करें, हम यहाँ पे अब इसको पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या था x² dx अपॉन 1 − x^6 √3 किस तरह से हो जाएगा x² dx अपॉन 1 − ये आ गया हमारे पास v के लिए था हमने x³, तो ये हो गया x³ और इसका स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास x² dx अपॉन 1 − x³ का होल स्क्वायर dx। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे x² dx का क्या लिख देंगे हम dv/3, तो ये हमारे पास आ गया dv/3। अच्छा, यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, हमने x³ को v लिया है, तो ये हमारे पास v² आ गया और ये हमारे पास अंडर रूट है, सही है। अच्छा, अब देखें हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला है cos² x + sin² x = 1। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ें सपोज कर सकते हैं, इसको हम साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं। चलिए हम इसको सपोज कर लेते हैं कि वी हमने ले लिया sin θ के, तो हमारे पास डी वी क्या हो जाएगा, डी वी हो गया हमारे पास sin θ का डेरिवेटिव क्या होता है cos θ और dθ। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें डी वी की जगह कैसे ले सकते हैं cos θ dθ, और ये आ गया v की जगह हम क्या ले सकते हैं sin, तो ये आ गया sin²θ। अब यहाँ देखें हमारे पास cos²θ क्या हो जाएगा 1 − sin²θ, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले सकते हैं इसकी जगह cos θ dθ अपॉन ये आ गया हमारे पास cos²θ, जब इसको अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा cos θ अपॉन cos θ dθ, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1 dθ, ठीक है। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू में थीटा, तो थीटा आ गया और प्लस सी आ गया। अच्छा, हमने थीटा क्या सपोज किया था, सबसे पहले हमने क्या सपोज किया है, थीटा जो था हमारा यहाँ से वी इज इक्वल टू या लिख लें sin θ = v, तो थीटा क्या हो जाएगा sin−1 v, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, ये हम थीटा की वैल्यू डाल दें, ये आ गया हमारा sin−1 v + c। अच्छा, v हमने क्या सपोज किया था, वो सपोज किया था x³, तो हम यहाँ लिख देंगे sin·x³ + c, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और कोई रिक्वायरमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। शुक्रिया।